इस प्रस्तुति में चित्रित कहानी सभी नाम पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों जीवित या मृत स्थानों इमारतों और उत्पादों के साथ कोई पहचान का इरादा नहीं है या अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। दर्शन दो हजूर श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान। बोलो खाटू नरेश की जय। शायद तुम्हारे पापा आ गए, बैल बजने की आवाज आ रही है। तुम लोग भोग लगाओ, मैं भी आ रही हूँ। सिद्धू भोग तू लगा दियो, मैं जरा टॉयलेट से होके आती हूँ। अभी मोतीचूर के लड्डू। सिद्धू भोग का प्रसाद है, सारा तुम मत खा जाइयो। अरे कृष्णा जी तो लड्डू खाते ही नहीं है, मैं ही खा लेता हूँ। सिद्धू ये आवाज कहाँ से आई? ये मेरा प्रसाद है, इसे मत खा। तुम भगवान हो? हाँ। तुम भगवान हो तो खुद ही उठा के खा लो। प्रसाद लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से लेते हैं। कृष्णा अब तो तुम्हें हमारे सामने आना ही होगा। तुम कैसे दिखते हो, महाभारत वाले ना लिटिल कृष्ण वाले? सिद्धू मेरे हाथ छोड़, कोई आ जाएगा। नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला। मैंने सुना है भगवान कुछ वरदान जैसा देते हैं। किंतु वरदान तो तपस्या करने के बाद ही मिलता है। इस मौके का इंतजार तो ही मेरी तपस्या थी। अच्छा बोल भगत, तुझे क्या चाहिए वरदान में मेरा हाथ छोड़ने के लिए? मेरे पापा बहुत झूठ बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे हमेशा सच बोले। प्रथास्तु, पर अगर तुमने यह राज किसी को भी बताया तो सब पहले जैसा हो जाएगा। अरे भगत दूसरा हाथ भी तो छोड़, तू तो अपने वचन से मुकर रहा है। बिल्कुल नहीं कृष्णा, तुमने ही तो कहा था मेरा हाथ छोड़ने के बदले में क्या वरदान चाहिए। दोनों हाथ छोड़ने के लिए छोड़ना बोला था। अच्छा भगत, अच्छा त्रिलोकी से ही चलाकी। बता तुझे दूसरा वरदान क्या चाहिए? मम्मी पापा पे बहुत चिल्लाती है, मैं चाहता हूँ कि मम्मी हमेशा पापा से हंसकर और प्यार से बात करे। ठीक है तथास्तु, पर अगर राज खुला तो सब पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धू मैं तेरी चालाकी से बहुत प्रसन्न हुआ, जा मैं तुझे अपनी तरफ से वरदान देता हूँ। जब भी तू मुझे सच्चे मन से पुकारेगा मैं देर से मिलने जरूर आऊंगा। घर में जब भी पूजा पाठ हो ना, इस इंसान को देर से ही आना होता है। हे भगवान, आज तो घर में पूजा पाठ थी, लेट हो गया। भगवान क्या बहाना मारूं, भगवान बचा लेना आज, क्या बहाना मारूं। कहां थे अब तक? कहां था? डेट पर था ऑफिस वाली तानिया के साथ, जिसको तुमने एक बार पकड़ लिया था मेरे साथ रंगे हाथों ऑफिस की पार्टी में, जब हम एक ही बोतल दोनों स्ट्रॉ डाल के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और तुमने उसके चक्कर में मेरे को बहुत कूटा था, पूरी रात खाना भी नहीं दिया था। मेरे ट्रीटमेंट की बात भी तुम उस चुड़ैल के साथ डेट पे गए हुए थे, उस बुक्कड़ को घर ही लेके आते, यहीं पर कुछ खिला पिला देती। चलो छोड़ो उसे, बाद में देखेंगे, तुम अंदर चलो, प्रसाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे गड़बड़ हो गई, अरे से बच गई। मैं ले आऊंगा। अरे यार तुम मुझे आज किस चीज से प्रसाद देने वाली हो? मेरा मतलब बेलन झाड़ू डंडा, क्या चीज तुमने तैयार करके रखी है? पागल हो गए हो क्या, पूजा पाठ वाला घर है, मैं तो धूप अगरबत्ती। क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं प्लीज, धूप बत्ती से तो बिल्कुल भी मत जलाना, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत इरिटेशन होती है, प्लीज प्लीज। अरे पागल हो क्या, ऐसा किया ही क्या है तुमने? कभी कभी हो जाता है ऑफिस वालों के साथ जाना। अच्छा अच्छा तुम ये बताओ क्या खाओगे आज? अरे यार मेरे तो पेट ही भरा हुआ है, ऑफिस वाली तानिया ने जान बूझ के ठूस ठूस के इतना सारा खिला दिया। मैंने उसे मना भी किया कि घरवाली भूतनी मेरे को बहुत मारेगी पीटेगी, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा उस गवार को बोल देना कि आज ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है इस चक्कर में।
अरे ये रेस्टोरेंट वालों ने सालों ने खाने में भांग मिला दी थी क्या? ये क्या पके जा रहा हूँ मैं? गवार बोल दिया, वो भी तुम्हारे सामने। चलो इस केस को तो मैं बाद में देख लूंगी। अरे यार वही बोल रही थी तुम्हें सब कुछ, मैं तो सिर्फ गलती से एक बार भूतनी बोल दिया था। वही बोल रही थी कि उस नागिन को तुमने अभी तक अपने गले में क्यों लटका के रखा हुआ है, उठा के उसे निकाल के फेंको ना घर से बाहर। अरे यार ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, आज मेरी आखिरी रात है भाई, आज मेरी आखिरी रात है। अरे ऐसे कैसे आखिरी रात होगी उस उल्टा की, तुम्हारी थोड़ी गलती है, वही चिमकंडी तुम पे डोले डाल रही है। अरे यहाँ पे तुम थोड़ा सा गलत हो गई हो, क्योंकि जिस दिन उसको मैंने पहली बार देखा था ना, तभी से मेरे दिमाग में ये आ गया था कि यार क्या सुंदर और मॉडल बंदी है, काश ये मेरी सेटिंग होती और सच में भगवान ने मेरी सुन ली। तुम ये सब सोचते थे और मैं सोचती थी कोई नहीं, पति भी तो इंसान होता है, हो जाती है गलती। हाँ यार सच में कुछ गलती ही हो रही है। हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है कुछ गलती तो हो रही है। Oh no. A few moments later. अरे सुनो जरा। हाँ? तुम जाके अब थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लो, तुम्हारा फेवरेट नाटक आ रहा है नागिन, या फिर बच्चों के साथ चले जाओ, जूस वूस पीकर आ जाओ, बच्चों को भी पिला लो। अरे बाबा पर क्यों? अरे गधेड़ी मैं शांति के साथ दारू पीना चाहता हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, दिमाग खराब। अरे ये अब शांति कहाँ से आ गई बीच में? अरे अब आएगी भी कहाँ से शांति, तूने तो उसे निकाल दिया था ना काम से शक करके कि उसकी और मेरी सेटिंग हो गई है, वैसे तेरा शक जो था ना बिल्कुल। नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। मानता मेरे शक और इंट्यूशन को? अजी घंटा तेरा शक तेरा इंट्यूशन, बड़ी स्नीफर डॉग बनती है ना तू। जब मायके गई थी ना तो मोहल्ले की पुरानी वाली सेटिंग भी आई हुई थी यहाँ पे, और हमारा पुराना प्यार फिर दोबारा परवान चढ़ा, उसकी परफ्यूम की खुशबू तो तू सूंघ नहीं पाई, बड़ी आई शक करने वाली। जरूर वो कलमोई कंचन ही होगी, मुझे तो उसमें पहले से ही शक था, पर अब तो वो चली गई ना अपने ससुराल। अरे चली तो गई है लेकिन वादा करके गई है। आज तुम्हें मैं एक ऐसी चीज दूंगी जो तुमने कभी सोची ना होगी, वो देखो सामने। मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी, वेपर लेकर आई है ना मेरे लिए, क्या होगा मार ले कूट ले, आज की रात और है, कल तो जा ही रहा हूं मैं वकील से मिलने के लिए। अरे नीचे नहीं नीचे नहीं, ऊपर देखो ऊपर। अरे तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। Women. अरे अरे रुको एक मिनट मैं भी आ रही हूँ। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। अरे रुको चेयर्स नहीं करोगे? हे प्रभु हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। कॉलेज टाइम में मैं बहुत देवड़ी थी। अरे जानू कुछ रोमांटिक बात करो ना, करो ना जानू। अरे यार मेरे को शांति से पीने दे, तुझे पता है मेरे खोपड़े में कितना टेंशन है, इसीलिए बोल रहा था जाके नागिन देख ले, नागिन आराम से देख रही होती नागिन। मेरे को जरा। अरे सुनो ना मेरा भाई आया था, उसे बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। हूँ क्या कह जा रहे हो, जुबान में वो अकड़ गई क्या? अरे यार क्या तेरा भाई, जब देखो पैसे मांगने के लिए यहाँ पहुंच जाता है, अभी 3 महीने पहले तो उसको पैसे दिए थे, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको पैसों की जरूरत नहीं है, उसे बस खाली टुकड़ों पे पड़ रहा है वो। इतने पैसे तो तुमने दहेज में नहीं दिए जितने मैं तुम्हारे को दे चुका हूँ, मेरे कर्जदार हो गए तुम सारे के सारे, कितना कर्जा करोगे अपने ऊपर, लुटवा दो, ऐसा करता हूँ सब बेच देता हूँ, बेच के तुम्हारे को दे देता हूँ सब। तेरा भाई निकट्टू था है और हमेशा रहेगा।
नहीं बोलूंगा। अरे आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा। मैं सोने जा रहा हूं। आज यार मजा आ रहा बहुत, एकदम A1 यार। अच्छा तो लग रहा है पर किसी बात की कमी लग रही है। अरे यार इनका तो यूज ही नहीं हुआ आज। चलो कोई नहीं, गुड नाइट, मुझे भी नींद आ रही।